हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लौकी का हलवा बनाती हूँ। घबराइए नहीं, लौकी की सब्जी के साथ साथ हलवा खीर भी बनता है। अगर आप नहीं खाए हो तो जरूर बनाएं, अगर आप बनाते भी हो तो इस तरह जरूर बनाएं। देखिए, मैंने दोनों लौकी को पील कर लिया है, साइड से काट लिया है। अब मैं इसे फ्रेश वाटर से धो लेती हूँ। अब मैं इसके दो टुकड़े कर ले। अब इसके ये ग्रेट करने वाला है, मैं इसे मोटे वाले भाग से कर रही हूँ। आप इसे फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको इससे ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे करना है। जितने हरे वाले भाग हैं उसी को ग्रेट करना है, जो बीज का जो गुदा होता है उसे नहीं करना है, उसमें बीज होते हैं इसलिए आपको हटा देना है। देखिए, मैंने चारों तरफ से कर दिया है, बस बीच वाला भाग है इसे मैं फेंक दूंगी। फिर उसी तरीके से आप दूसरा कीजिए। लौकी है तो बहुत जल्दी काला हो जाता है, इसलिए मैं दो करके फिर मैं गैस ऑन कर दूंगी। सारा कद्दूकस कर लिया है। इधर मेरा कढ़ाई भी गरम हो रहा है, इसमें मैंने बस 1 से 1.5 चम्मच घी दिया है। अब मैं इसे डाल दे रही हूँ। अभी लौकी का ओरिजिनल कलर ही है, इसे थोड़ा सा पानी दे के मॉइस्चर है हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं सुखा देती हूँ। ये लगभग मेरा 2 कटोरी होगा ये लौकी। इसमें मैं 1 लीटर से कुछ कम दूध दे दे रही हूँ। इसे दूध को सुखाना है मुझे। ये देखिए, बॉयल आ गया है मेरा। बॉयल करने के कारण मैंने गैस को फुल फ्लेम पे रखा था, अब मैं गैस को मीडियम पे कर रही हूँ और ढक्कन से ढक दे रही हूँ। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर मुझे इसको चलाना है, क्योंकि नहीं तो नीचे से लग सकता है। फिर मैं ढक्कन हटा के इसको चला रही हूँ। आप हर समय जब भी चलाओ किनारे से इस तरीके से करते हुए चलाइए। लौकी को पकना है, इसलिए जब तक ये पक रहा है मैं ये ड्राई फ्रूट से उसको थोड़ा काट लेती हूँ। इलायची का पाउडर वो डाल दे रही हूँ, लगभग 1/2 टी स्पून है। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप नहीं पसंद करते हो मत देना। फिर मैं अब इसे मैं ढक नहीं रही हूँ, लौकी लगभग पक गया ही है। अब मैं इसे दूध को कोशिश कर रही हूँ सूख जाए, इसलिए ढक्कन नहीं ढकूंगे, बस बीच बीच में आप चलाते रहिए। ये देखिए, 2 रवे बिल्कुल कम बच रहा है। अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। मैं लगभग 1/2 कटोरी से कुछ ज़्यादा है, तो मुझे कंडेंस मिल्क भी देनी है। आप इसमें खोआ भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी खोआ नहीं है, मैं कंडेंस मिल्क दे रही हूँ। ये चीनी अभी पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे पकने में फिर 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो और डालना, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं थोड़ा कम डाली हूँ। लेकिन अब बिल्कुल इसे चलाते रहना है, नहीं तो तले में ये लग जाएगा। अब इसमें मैं 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दे रही हूँ, ये भी मीठा होता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अगर आप चाहते हो कि लौकी की ओरिजिनल कलर ग्रीन होनी चाहिए तो आप इसमें फूड कलर दे सकते हो, ये मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कोई कलर का यूज नहीं कर रही हूँ। बस अब इसमें घी दे रही हूँ, एक डेढ़ चम्मच पहले दिया था, अब लगभग हाफ कटोरी दे रही हूँ। बस ये 2 मिनट में पक जाएंगे। मेरा लौकी का हलवा रेडी है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और सर्विंग बाउल में निकालती हूँ इसे। गैस बंद कर दिया, मेरा हलवा रेडी है। आप खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे मेरी नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।